जिला न्यायालय ने इस तकासा मंजूर कर बरगवा की पूर्व थाना प्रभारी और दो अन्य सिपाहियों पर विभिन्न धाराओं में किया मामला दर्ज। खबर करहल से जहां परतवाड़ा निवासी धीरेन्द्र सिंह कुशवाहा द्वारा लगाए गए एसआई ममता गुर्जर के खिलाफ निजी इस तकासा कोर्ट ने मंजूर कर ली है और बरगवा की पूर्व थाना प्रभारी रह चुकी ममता गुर्जर, प्रधान आरक्षक राम प्रकाश मौर्य और आरक्षक रवि खरे के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के धाराओं में 294, 342, 323, 34, 506 के तहत दर्ज कर लिया है। घटना है वर्ष 2019 के, जब बरगवा थाना प्रभारी ममता गुर्जर हुआ करती थी। इस दौरान उन्होंने वाहन चेकिंग के लिए परतवाड़ा गांव में एक चेकिंग पॉइंट लगाया था और बाइक सवार धीरेन्द्र कुशवाहा को भी चेकिंग के नाम पर रोका गया है। धीरेन्द्र से वाहन संबंधी कागजात मांगे गए। सभी कागजों में केवल बीमा ना होने के चलते सुरमाने की राशि धीरेन्द्र द्वारा ऑनलाइन भुगतान करने की बात पर मैडम भड़क गई और फरियादी से बदसलूकी कर गाली गलौच एवं मारपीट की गई और मैडम का गुस्सा यहीं तक नहीं रुका। फरियादी को थाने ले जाकर शासकीय कार्य में बाधा डालने की धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कर लिया। व्यक्ति ने उसी समय थाना प्रभारी की शिकायत एसपी नागेंद्र सिंह से की तो एसपी साहब ने शिकायत की जांच कर थाना प्रभारी ममता गुर्जर को थाने से हटाकर लाइन अटैच कर दिया था। जब आमजन अपराध करे तो तत्काल एफआईआर हो जाती थी, तो थाना प्रभारी के अपराध करने पर एफआईआर क्यों नहीं हुई? कार्यवाही के नाम पर थाने से हटा देना मात्र इनकी सजा नहीं हो सकती। इसके लिए धीरेन्द्र कुशवाहा ने वर्ष 2020 में न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। लगभग 4 वर्ष पहले लगाई गई निजी इस तकाशा पर कोर्ट ने अब मोहर लगा दी है। जी, क्या नाम है आपका? धीरेन्द्र सिंह कुशवाहा। धीरेन्द्र जी, क्या मामला है? आप बता रहे हैं कि आपने कोर्ट से एक सफलता हासिल की है, एक आपने थानेदार के खिलाफ जी। इसमें ये मामला मतलब 2019-20 के आसपास का है। उस टाइम पे ये ममता गुर्जर बरगवा थाने पर एसआई थी, तो उनने और उनके अन्य दो स्टाफ थे, उनने मेरे साथ में बदतमीजी करी, मारपीट करी और मुझ पर एक झूठा आरोप लगा दिया था, जिसमें मैंने ऊपर आला अधिकारियों से शिकायत भी दर्ज करी, जिसमें उन्हें परिनिंदा के दंड से दंडित किया गया था और लाइन हाजिर भी किया था। उसके बाद मैंने इसको कोर्ट में अपनी कंप्लेन दर्ज करवाई, इस्तगासा लगाया प्राइवेट कंप्लेन में, जिसमें कल परसों में उसमें कायमी हो गई है और उन पर धाराएं लगा दी गई। किन धाराओं में उन पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं? मारपीट की धाराएं और बदतमीजी की धाराओं में 323, 506, 294, 341 जैसी कई धाराएं हैं जिनमें उन पर आरोप। क्या मतलब क्यों उन्होंने ऐसा किया था, क्या हुआ था उस समय पूरा मामला? ये उन्होंने अपनी ईगो पर लेकर के और मेरे साथ में मारपीट करी और उसमें बचने के लिए उन्होंने मुझ पर झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया। तो क्या चेकिंग के दौरान आपको पकड़ा था? जी, चेकिंग के दौरान वाहन चेकिंग चल रही थी, तो मेरे पास में गाड़ी का बीमा नहीं था, उन्होंने मुझसे पैसे मांगे तो मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने कहा ऑनलाइन चालान मैं कर देता हूँ, ऑनलाइन पे कर देता हूँ, तो उन्होंने मेरे साथ मारपीट करी, गाली गलौच करी और मुझे पकड़ के थाने ले गए। उसके बाद में मुझ पर एक झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया, जिसकी मैंने आगे शिकायत करी और आगे कार्रवाई करवाई। धीरेन्द्र जी, पुलिस से मारपीट और तमाम सारे मामले तो कई आते हैं, जब वरिष्ठ अधिकारी ने उन्हें दंडित भी किया था, लाइन हाजिर भी किया था, तो आपने इतना मतलब क्यों उसको गंभीरता से लिया कि आप न्यायालय भी चले गए? जी, इसमें मुझ पर गंभीर आरोप लगाए थे, एक राजकीय कार में बाधा का केस लगा था और मैं खुद रेलवे में मेरी ज्वाइनिंग हुई है और इस केस के चलते हुए मुझे वहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई और मेरे ऊपर विभागीय जांच बैठ गई, जिसमें मुझे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा और कहीं ना कहीं मैं इनके अन्याय से पीड़ित था और मुझे अपने आप को सच साबित करना था, इसलिए मैंने ये यानी इनने जो केस रजिस्टर्ड किया उससे आपकी नौकरी पर भी खतरा आ गया? जी, मुझे बहुत परेशानी आई उसमें और आज दिन तक भी मैं उस परेशानी का सामना कर रहा हूँ। अभी आपको न्यायालय से थोड़ी सी सफलता मिल गई है, एक केस रजिस्टर्ड हो गया, कैसा आप महसूस कर रहे हैं? जी, बिल्कुल, मैं पहले भी मैं यही सोचता था कि मतलब ये कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, इन लोगों से मैं मतलब कैसे जीत पाऊंगा, कैसे वो करूंगा, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं भरोसा था न्याय व्यवस्था पर और आगे चल के अंततः उसमें सफलता मिली।